नेता हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्वेस्टरों से उनके संबंध भी अच्छे हैं। इस बात से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में तरक्की होगी। यह बात इंदौर में बीती शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार की पॉलिसियों की सराहना भी की। दिग्गी झाबुआ चुनाव पर बोले कि आदिवासियों में आज भी कांग्रेस के प्रति आस्था है, विश्वास है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली है। वहीं शिवराज सिंह के समय हुए घोटालों पर कहा कि उनके कई प्रकरण सामने आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि किसने प्रदेश को नोचा है और जल्द ही कई नाम भी सामने आएंगे। ऐसा है, हमारे पास अब इतने प्रकरण आ गए हैं शिवराज सिंह जी के, पता पड़ेगा कौन ने नोचा है मध्यप्रदेश को। नहीं, सामने नाम आएंगे, आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कई प्रमाण मिल रहे हैं। दिग्गी बोले कि भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की बात कही है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंह ने गोपाल भार्गव के पिछले समिट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनके समय प्रदेश में इन्वेस्टरों ने पैसा नहीं लगाया। दिग्विजय सिंह ने अपनी शैली में पत्रकारों के सवालों के बेबाकी से जवाब दिए।